ओम शांति। आज पुनः अव्यक्त मुरली मंथन जो ये सीरीज चल रही है और आज का दिन शनिवार का दिन है और जैसे कि हम आदरणीय दीदियों से आदरणीय भाई सब से सदा ही बाबा की जो मुरलियां बाबा ने चलाई उसका स्पष्टीकरण लेते आए हैं, आज पुनः हमारे साथ पुष्पा दीदी जी पांडव भवन दिल्ली से जुड़े हैं। दीदी आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। ओम शांति। तो दीदी आज की जैसे कि आपको तो इस सीरीज में आप एक दो बार हमारे साथ रूबरू हुए हैं और आज पुनः बहुत अच्छी बाबा की मुरली की जो डेट है 30 नवंबर 2006 की मुरली है और दीदी को अगर हम एक बार पुनः आप सबको परिचय देने चाहें तो दीदी 1976 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात हमें पता चली कि दीदी जब बहुत ही बाल्यकाल में थे 7 वर्ष की उम्र में थे तब आदरणीय हमारी मम्मा का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ और जब आपकी शुरुआत हुई तो मम्मा की ही गाइडेंस से आपकी इस ईश्वरीय जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद बाबा से आप बहुत बार मिले और बाबा से आपने सम्मुख पालना भी ली। इतना ही नहीं और पांडव भवन जहाँ पर आज आप उपस्थित हैं, जहाँ आप सेवाएं सब देख रहे हैं, दिल्ली का वो जोनल ऑफिस है और साथ साथ हमारी दादियां वहां पर रहे, दादियों ने बहुत पालना आपको दी और आपने दादियों की पालना से अन्य आत्माओं को भी बहुत पालना दी है। ब्रह्मा कुमारीज का जो विंग है जूरिस्ट विंग उसके आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं और मुझे ये बताते हर्ष हो रहा है कि ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर का जो ये यूट्यूब चैनल है जिसपे आप आज लाइव मुरली हमारे साथ मंथन कर रहे हैं, ओआरसी में भी आप एज अ सीनियर फैकल्टी के रूप से आना जाना करते हैं और वहाँ पे भटियों के प्रोग्राम्स कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार चलते हैं और आदरणीय पुष्पा दीदी समय प्रति समय ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो ऐसे आदरणीय दीदी का इस प्रोग्राम में आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आज की मुरली की डेट हम दोबारा से पढ़ते हैं और आज की मुरली 30 नवंबर 2006 की मुरली है और मुरली का टॉपिक है ज्वालामुखी स्वरूप द्वारा मैपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो तब समाप्ति समीप आएगी। तो दीदी मुरली तो बहुत गहरी है और मुरली का जो मंथन अगर देखें और थोड़ा सा जो मैं पढ़ पाई हूँ, तीन तीन शब्द बाबा ने इस मुरली में तीन 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 बातें शुरू से अंत तक तीन तीन पे खत्म किया है। तो दीदी सबसे पहले तो ये ज्वालामुखी तपस्या होती क्या है? बहुत अच्छी और जरूरी बात है ये, क्योंकि प्यारे बाप दादा ने हमें कई बार ऐसा कहा है कि आपकी योग की शक्ति ऐसी हो जो ज्वाला के समान हो। मीन्स याद तो हम बाबा को करते हैं, उसे हम योग शब्द भी कहते हैं, परंतु हमारी याद कैसी है? एक है नॉर्मली मुख से बोलना बाबा, एक है कि मैंने अपने को आत्म स्थिति में टिकाया और बाबा की याद में टिकी, फिर भी थोड़ा बहुत संकल्प बीच में मिक्स होता रहा, परंतु बाबा चाहते हैं कि हमारी याद इतनी शक्तिशाली हो जो ज्वाला का काम करे, क्योंकि ज्वाला में कोई भी चीज डाली जाती है तो जल जाती है जी। और जलना माना परिवर्तन होना, और याद है ही परिवर्तन होने के लिए, परंतु बाबा इसलिए कहते हैं कि वो परिवर्तन तब आएगा आत्मा के संस्कारों का या जो स्थिति हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, कि याद हमारी साधारण नहीं हो, बहुत शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली याद को ही बाबा ज्वालामुखी याद कहते हैं, कि उस इतनी शक्ति आत्मा में आ जाए कि वो अग्नि का काम करे, कि जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, वो स्वाहा हो जाएं और आत्मा प्योरिफिकेशन होकर तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर बढ़े। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना इस मुरली में भी,
लक्ष्य है आपका बाप समान बनने का। तो बाप समान बनने के लिए तो आत्मा को स्थिति बहुत शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली बनानी है। तो वो ऐसे याग भी हमारी शक्तिशाली हो जो अग्नि का काम करे, इसलिए बाबा उसे ज्वालामुखी याद कहते हैं। दीदी बहुत सुंदर। और दीदी अगर आज मुरली में देखें तो बाबा ने तीन प्रकार के खाते बाबा आज देख रहे थे, और उन खातों को ही बाबा ने उसकी विधि बताई, उसकी निशानी बताई और उसको खत्म कैसे करें, ये सब चीजें उसमें बताई। तो मैं बाबा की शब्दों के जो बाबा की मुरली में लाइंस हैं वो ही पढ़ती हूँ, फिर आप उस पे हमें क्लियर करिएगा। तीन प्रकार के खाते देख रहे हैं, एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रालब्ध जमा का खाता, दूसरा है सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता, और तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो हमारे ये तीनों ही चाहिए, क्योंकि हम सबके व्यवहार में साथ में आते हैं। तो हमारी स्थिति, पहला खाता श्रेष्ठ कर्मों का अच्छा ध्यान पर रखकर चलते हैं, तो जो हम औरों के साथ व्यवहार में आते हैं तो वो भी वैसा ही चाहिए, तब हम दुआएं ले सकेंगे, तब हमारा दुआओं का खाता जमा होगा। अगर उस पे हम अटेंशन नहीं देंगे तो दूसरों से हमें दुआएं कैसे मिलेगी। और ये दुआओं का खाता तो बहुत शक्तिशाली है जो आत्मा के साथ सदा रहता है। तो इन दोनों तीनों खातों का बड़ा कनेक्शन है आपस में गहरा, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति का खाता होगा, प्रालब्ध बनेगी तो हमारा मनसा वाचा कर्मणा भी वैसा ही श्रेष्ठ होगा, तो अन्यों के साथ हमारा दुआओं का खाता तभी जमा हो सकता है जब हम दूसरों को संतुष्ट करते हैं, खुद भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करें। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अपनी स्थिति को अच्छा रखना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए मैं ही अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों को कैसे खुश कर सकती हूँ, या बाहर से कर भी लेते हैं कई बार मुस्कुरा के या थोड़ी देर, वो टेम्परेरी होता है और वो फिर दूसरों के हृदय तक बात नहीं जाती है। तो दुआएं तब मिलती हैं जब हमारी मनसा इतनी शुद्ध हो और व्यवहार इतना अच्छा हो, बोल और कर्म, जो दूसरी आत्मा खुश हो जाए तो उसके दिल से ऑटोमेटिकली दुआएं निकले, कोई मुख से कहने की बात भी नहीं है। और तीसरा, फिर पुण्य का खाता भी तभी हमारा बनता है, क्योंकि पुण्य है ही यही, अगर हमने दूसरों को संतुष्ट नहीं किया या सेवा नहीं की, अपनी स्थिति नहीं बनाई, तो पुण्य क्या, किसी को ही तो पुण्य कहेंगे ना। और यही पुण्य आत्मा को शक्तिशाली बनाता है और उसका भविष्य ऊंचा बनाता है। तो ये तीनों खातों का मैं ऐसा समझती हूँ अपने अनुभव के आधार से बड़ा गहरा कनेक्शन है, और तभी ये तीनों साथ साथ चलते हैं तो आत्मा बहुत ऊंची स्थिति पे आ जाती है। दीदी इसमें एक चीज आती है जो प्रश्न भी आया है कि हम जो संतुष्टता आपने कहा, दुआएं लेने लेना कहा, तो हम अपने व्यवहार में सेवा में दूसरों को संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें नहीं पता कि कुछ कारण से असंतुष्टता हो जाती है, हमारा भाव उसके प्रति वैसा होता नहीं है। तो उसमें बाबा ने जो पहला वाला कहा कि अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रालब्ध का खाता, तो हम कैसे संतुष्टता के, लोगों को संतुष्ट करने के पीछे अपने आप को लगाएं या अपने आप को संतुष्ट करने में लगे? हमें लोगों को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करना, हमें अपनी स्थिति को अच्छा रखने का, और जैसा बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उस अनुसार हम अपनी मनसा वाचा करना रखें, तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा जो होगा वो ठीक होगा, तभी दूसरे संतुष्ट होंगे। ये नहीं कि मैं ये सोचती रहूं सारा समय इसको मैं संतुष्ट कैसे करूं, तो उसमें तो कई बार मैंने देखा कई भाई बहन मर्यादा भी तोड़ बैठते हैं, कहते मैंने तो इसको खुश करने के लिए ये बात की थी, ये तो अभी तो आज तो खुश हो गया, दो दिन बाद देखो तो वो फिर नाराज है। हमें अपनी फाउंडेशन ठीक रखनी है, हमें अपनी स्थिति ठीक रखनी है। जो श्रीमत हमको बाबा की मिली है
हमें उस अनुसार चलना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माएं आपसे संतुष्ट होंगी। आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा का स्वभाव अलग, संस्कार अलग, और कई बार तो आप जानते भी नहीं है कि उसका संस्कार क्या है, उसकी अंदरूनी इच्छा क्या है। लेकिन मुझे अपनी स्थिति को अच्छे रखते हुए और उसके प्रति मेरी अंदरूनी जिगरी भावना अच्छी हो कि ये आत्मा सुखी रहे, खुश रहे, क्योंकि पहले तो हमारी अंदर की वृत्ति और भावना ही उसके पास पहुंचती है, वाइब्रेशन पहुंचता है। कई बार आप सबको भी अनुभव होगा कि हम दूसरी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए इतनी हमारे पास समर्थ नहीं है माना, और लेकिन हमारे दिल में प्यार है, तो वो समझ जाते हैं, कहते बहन जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई उसको चीज भी चाहिए होगी कहेंगे अच्छा आज नहीं कल ले लेंगे, तो वो समझ गए कि हम देना चाहते हैं, हमारा प्यार है उस आत्मा के प्रति, हमारा भाव बहुत अच्छा है, हम उसे मान की दृष्टि से देख रहे हैं। तो वास्तव में संतुष्टता का कनेक्शन हमारी आंतरिक शुद्ध भावनाओं से बहुत जुड़ा हुआ है। तो हम ये नहीं सोचते रहे कि इसकी संतुष्टता के लिए, हाँ मालूम है तो हमें ये ध्यान भी देना है, परंतु हर समय इस चिंतन में नहीं रहना कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, उसको कैसे, क्योंकि ब्राह्मण परिवार भी बहुत बड़ा है, कुछ समीप की आत्माएं हैं, कुछ दूर की हैं, कुछ कभी कभी वाली हैं, परंतु मुझे अपनी वृत्ति में हर आत्मा के लिए, चाहे समीप वाली है चाहे कभी कभी वाली है, शुभ भावना जरूर रखनी है, सच्चा प्यार जरूर रखना है, स्वार्थ नहीं रखना है। अब स्वार्थ से भी किसी को संतुष्ट करते हैं तो वो भी पहुंच जाता है उसके पास वाइब्रेशन, देखो इन्होंने तो मेरी शक्ल देख के मेरे को इस टाइम सामने आया तो बड़े प्यार से बोल लिया, वैसे तो मेरे से इनका कोई वो ही नहीं, कुछ भी सोच सकता है ना कोई। तो ये हमको ख्याल बार बार ना करके हमें निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से उनके प्रति शुभ भावना और सच्चा स्नेह रखना है, फिर हमारी जितनी समर्थ है हम उस रीति से उस आत्मा को दे पाएंगे स्थूल रूप में। दीदी बहुत अच्छा, क्योंकि ये बहुतों का प्रश्न था जब मुरली पढ़ रहे थे कि क्या, और आज के जो समय के सेवा के दौर में सभी चलते जा रहे हैं, तो काफी सारी चीजें समीपता में बड़ों के लिए छोटों के लिए, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि जो बाबा कंटिन्यू बहुत समय से कह रहे हैं, अगर हम साकार मुरली देखें, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पर हम अपने स्थिति को बनाएं तो सफलता अपने आप होती है। तो दीदी बाबा ने उसके नेक्स्ट में कहा, जैसे खजानों की बात चल रही थी, बाबा ने निशानी भी आज बताई, और निशानी के साथ साथ बाबा ने आज विधि भी बताई। तो दीदी निशानी में बाबा ने कहा जैसे ये तीनों खाते जमा कितने हैं व नहीं है, उसकी निशानी क्या है? सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना, और सदा अपने को खुश नुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना, जो आपने बहुत सुंदर बताया। तो दीदी चाहिए जी जी, तो दीदी इसमें जैसे बाबा ने कहा कि इन सर्व खजानों को अब जमा करने की चाबी, तो दीदी उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी जी चाहिए कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव, ये तीनों साथ साथ चलता है, या हम पहले निमित्त भाव रखें फिर निर्माण भाव रखें और फिर निस्वार्थ भाव रखें? नहीं, तीनों साथ साथ चलता है, तीनों साथ साथ चलता है, क्योंकि हम स्वयं को जब निमित्त समझते हैं तो जरूर है हम निस्वार्थ है ना, राइट, क्योंकि हम मालिक थोड़ा है कि मैं ही जो चाहूं वो करती जाऊं, उस वो मर्यादा अनुसार है, श्रीमत अनुसार है या नहीं, लेकिन निमित्त हूं तो जरूर है मैं न्यारी होके, डिटैच होके और निस्वार्थ भाव से ही करूं, उसमें स्वार्थ की मार्जन ही नहीं है। तो ये तीनों का आपस में कनेक्शन है, इसलिए आज बाबा ने तीन तीन बातें कही है, क्योंकि निमित्त भाव होगा तो हम निर्माण भी होंगे, नहीं तो हम निर्माण कैसे होंगे? अच्छा निर्माण होंगे तो हम निस्वार्थ भी होंगे, हम कोई इच्छा नहीं रखेंगे, लेकिन कई बार तो भी कभी आ सकता है इच्छा का संकल्प, लेकिन निमित्त भाव विशेष हमें याद रखना है, सबसे पहला जो बाबा ने कहा है जी, जी। ये दोनों बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई। दीदी अब दीदी इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा स्पष्ट करें, निमित्त भाव क्या है, निमित्त मतलब क्या और निर्माण मतलब क्या और निस्वार्थ मतलब क्या? निमित्त माना कि हमने जैसे
आम शब्दों में तो हम न्यारा भाव कहते हैं ना, ट्रस्टीशिप कहते हैं, कि हम हर बात को जैसे एक साक्षी दृष्टा होकर के देखें, खुद को हम मालिक नहीं बाबा को मालिक समझ के चलें और बाबा की श्रीमत को सामने रखें। निमित माना ही जो किसी के डायरेक्शन पर चलकर कार्य करने वाला है, खुद ही अपने आप सब कुछ फैसला करने वाला नहीं। तो हमारे सामने तो बाबा ने हमको निमित भाव से श्रीमत सामने दी ही हुई है कि हर बात में जब आप श्रीमत को सामने रखते हैं तो नेचुरली आप न्यारे हैं और आप इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो श्रीमत बाबा ने दिया उस पर चलना है। तो स्वयं ही महसूस होता है कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ इस कार्य के लिए, मुझे सिर्फ जिम्मेवारी दी गई है, बाकी मैं मालिक नहीं। तो ये ट्रस्टीशिप कहलाएगी, ये डिटैचमेंट कहलाएगी। डिटैचमेंट कहलाएगी। तो निमित्त माना कि हम किसी भी कार्य में इन्वॉल्व ऐसे नहीं हो जाए, डिटैच होकर करें, करें भी सही लेकिन डिटैच भी होकर करें, तो निर्माणता भी रहेगी। नहीं तो ईगो भी आ जाता है कई बार, मैंने ही किया, मैं ही अच्छा कर सकती हूँ, देखा मेरा ही काम था या मेरी वस्तु है, उस पर अधिकार रख लेते हैं। तो निमित्त आत्मा के अंदर ऐसा नहीं होता, वो ऐसे नहीं कि अपने आप को ही सब कुछ समझ ले, उसके अंदर निर्माणता स्वतः आ जाती है और साथ साथ निस्वार्थ स्थिति भी तभी आ जाती है। तो निमित्त माना ही डिटैच, न्यारा, ट्रस्टी। ट्रस्टी, बहुत अच्छा दीदी। तो बाबा ने जैसे कहा कि बहुत गहरी मुरलियां दीदी अगर करें तो हाँ, बहुत समय भी लग जाए, क्योंकि आज तीन मुरली का एक एक शब्द जो है ना बहुत गहरा, वो बहुत गहरा है और स्थिति को बहुत ऊंचे सहज। हाँ, क्योंकि बाप समान बाबा ने कहा ना बनना है। दीदी बाबा ने चाबी दी जो आपने उसको स्पष्ट किया कि निमित्त भाव रखने से निर्माण और निस्वार्थ स्वतः ही ये आता है। तो दीदी बाबा ने कहा जैसे चाबी का नंबर है 3 बिंदी, अब फिर से दीदी 3 आया। पहले हमने 3 खजाने देखे, फिर हमने उसकी निशानियां देखी, फिर हमने उसमें बाबा ने चाबी बताई, 3 चाबी जमा के करने की, उसके बाद चाबी का नंबर 3 बिंदी, 3 डॉट, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाबा बिंदी और तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। चाबी तो है ना आप सभी के पास। तो दीदी चाबी ये हमें सब ब्राह्मण परिवार को आत्मा बिंदी पता है, बाबा बिंदी पता है, ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना बिंदी पता है। दीदी 2 पे तो वर्क करना इजी हो जाता है, आत्मा पे और बाबा पे, पर तीसरी जो बात आती है ड्रामा बिंदी, वो लगने में बहुत समय चला जाता है। तो उसकी सहज विधि क्या है? उसकी सहज विधि ये है कि हम साक्षी होकर रहे, साक्षी कम रहते हैं। जैसे बाबा को तो साथी बनाया, लेकिन साथ साथ हम जब कर्म में रहते हैं तो उसमें डूब नहीं जाए ना एकदम, तो ड्रामा इसलिए फिर याद नहीं रहता। जैसे देखो एक्टर एक्टिंग करता है तो उसको पता रहता है कि ड्रामा है, लेकिन एक्टिंग में फर्क नहीं आने देता कोई, यानी ऊपर ऊपर से करे, देखने वाले को लगता है बिल्कुल रियल यही वो है जो वो एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपना रोल तो जिम्मेदारी से अच्छी तरह प्ले करो, बाबा को साथी बना के प्ले करो, लेकिन ये बुद्धि में रहे कि ये ड्रामा है, मना मैं साक्षी होके करूं, अपने रोल को भी मैं साक्षी होके देखूं, क्योंकि मैं भी आत्मा एक्टर ही हूं और अपना रोल प्ले कर रही हूं। तो जब रोल याद रहता है तो ड्रामा भी याद रहता है, रोल को भूल जाते हैं तो ड्रामा भी भूल जाते हैं, ड्रामा भूल जाते हैं तो जो कुछ भी करते हैं उसमें इतने अंदर खो जाते हैं कि खुद ही इफेक्टेड होते रहते हैं। फिर बाबा को पुकारते हैं, बाबा मेरी स्थिति खराब हो गई, मैं आज इस बात के कारण डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि तो ड्रामा भूल गए ना। दादी जानकी कहती थी हमेशा इतना ही वजन मैं ड्रामा को देती हूँ जितना मैं बाबा को, कहती थी मैं बाबा को मालिक समझती हूँ और ड्रामा को साथी समझती हूँ। तो मेरे एक कंधे पे बाबा रहता है और एक कंधे पे ड्रामा रहता है, क्योंकि सब कुछ तो ड्रामा अनुसार है। बाबा भी तो कहता है ना मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो बाबा सर्वशक्तिमान है, वो साथी है हमारे, लेकिन ड्रामा भी साथ में हमेशा हमारे साथ है, मालिक की रीति से है, तो हमको उसमें साक्षी स्थिति से ड्रामा याद रहता है।
बहुत अच्छा दीदी, जो दादी जी की बात आपने रखी और जो रोल कि हम अपना रोल समझें। और दीदी कभी कभी होता है कि हम रोल है ना हमारा, हम सोल समझ के उस रोल को प्ले करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली स्थिति, रोल और सोल इन दोनों बातों को भी दादी कहते थे ध्यान में रखते चलो करते चलो। तो तो दीदी ड्रामा मैं ऑटोमेटिकली महसूस होता है कि महसूस ड्रामा चल रहा राइट दीदी, क्या मुरली का शब्द छोड़ूं और क्या नहीं छोड़े आपसे पूछना समझ है। नहीं आ रहा दीदी। हाँ उसमें और अगर आगे चलें तो इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि दृढ़ता बताई। तो दृढ़ता, दीदी दृढ़ता क्यों, बाबा ने इस दृढ़ता को क्यों आज खास कहा कि दृढ़ता क्योंकि होगी? जी हाँ क्योंकि दृढ़ता होती है तो हम कोई भी बात के प्रभाव में नहीं आते, अपने लक्ष्य में पक्के रहते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों में क्या होता है, पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, फिर बोलते हैं माया आ गई। बाबा कहते हैं कोई भी बात को प्रैक्टिकल करने के लिए, देखो स्थूल में भी कोई काम आपको करना है कर लेंगे तो क्या होता है, वो काम डिले हो जाता है, लेकिन मुझे करना ही है तो हम पक्के रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। हमारी स्थिति अच्छी होए बाबा जैसे चाहता है, तो बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि मायावी बातें या कोई भी संस्कार कभी भी आ जाता है, तो दृढ़ता होगी तो हम उसको हटा पाएंगे, हम सेफ रहेंगे, नहीं तो उसमें खो जाएंगे। फिर हमारी स्थिति जो बाप समान बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। कई बार आपने देखा कई भाई बहने कहते हैं मैंने सोचा तो बहुत अच्छा था पर बहन जी हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं, कारण क्या? हो तो सकता था, दूसरा कर पा रहा है, आपसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने ढीलापन रखा, उस बात को उस दृढ़ता से नहीं लिया, पक्के इरादे से नहीं लिया। दृढ़ता माना हमारा जो सोच है, संकल्प है, हमारा इरादा पक्का हो कि जो मैंने सोचा है वो मुझे करना है, तब करना है हमारी स्थिति वैसी बनेगी। बिल्कुल दीदी। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करता है। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस दीदी। और क्योंकि समय की सीमा देखते हैं तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर से तीन बातें बाबा ने आज कही, तीन तीन तीन, तो हम तीन तीन को ही दीदी आगे रखते हैं। बाबा ने आज कहा दीदी, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजानों का खाता जमा करना है तो मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। इसको दीदी स्पष्ट करिएगा कैसे। क्योंकि मन मना भाव माना ही बाबा की याद, और उसको मंत्र बना लो। बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि मंत्र रट जाता है, और वैसे लौकिक रीति से भी भक्ति मार्ग में भी लोग मंत्र को जपते हैं बार बार, और संकल्प ले लेते हैं आज मुझे 108 बार जपना है, आज मुझे इतनी बार जपना है। तो मनमना भाव भी बाबा इसीलिए मंत्र कहते हैं कि हमारा वो निरंतर अंदर चलता रहे। मंत्र को हम दृढ़ता से ले लेते हैं सहज रूप से, कि हमें ये अंदर अंदर जो भी मंत्र की विधि होती है स्थूल रूप से भी बोल कर करना है या कोई भी विधि से करना है, तो उसे फिर वो निभाते हैं पूरा। और बाबा ने तो हमें मनमना भाव इतना सहज दे दिया है जिसको निभाने में कोई तकलीफ भी नहीं है, तो इस कारण बाबा मंत्र कहते हैं ताकि निरंतर हमारा रहे। ऐसे नहीं थोड़ी देर याद किया फिर सारा दिन, कई बार भाई बहने कहते मैं भूल ही गया, बस मुझे तो कोई होश नहीं रहा, फिर रात को योग किया, बाबा को याद किया। बाबा ने हमें दिनचर्या ही ऐसी दी है कि हर घंटे में भी आप दो दो तीन तीन मिनट निकाल के याद करो, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम भी याद करो, और जब किसी के सामने भी हो तो भी उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए ये बाबा की संतान है, ईश्वरीय संतान है। तो हमारे अंदर मन से दिल से मन बाबा के साथ जैसे जुड़ा रहे सहज रीति से, इसलिए बाबा इसको मंत्र कहते हैं, जैसे हमारे अंदर वो पक्का नेचुरल पक्का हो जाए। बहुत अच्छा दीदी। उसमें बाबा ने कहा जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा, जो आपने अभी बताया। तो फिर से बाबा ने तीन बातें कही, पास होना ही है, तीन रूप के पास। एक है पास रहना, दूसरा जो बीती बातें हैं सो पास हुआ, और तीसरा पास विद ऑनर ऑनर होना। होना है। दीदी इसमें दोनों बातें, जो पास रहना वो तो समझ में आता है, दूसरा जो बीती बातें हैं आपने उसको स्पष्ट किया उसको फुल फुल स्टॉप स्टॉप लगाने करना के, है।
दीदी जो पास विद ऑनर है इसको थोड़ा सा हम सब भाई बहनों को स्पष्ट करें, ये पास विद ऑनर क्या चीज है? पास विद ऑनर है कि जब हम बाबा के कहने अनुसार करेंगे और वो हमारा एक्यूरेट होगा, तो जैसे कोई अच्छे से ठीक नंबर लेकर आता है तो उसे ऑनर से, मतलब अच्छे नंबरों से आया तो माना ऑनर से पास हुआ ना। तो ऐसे ही हमको अपनी स्थिति को बाबा को साथी बनाकर और फुल स्टॉप माना बीती सो बीती बीत गया, उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना जरा भी, पास्ट की बातों में नहीं जाना, हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो हमारी स्थिति ऐसी हो अच्छी श्रेष्ठ जिसमें हमने कुछ भी वेस्ट नहीं किया और स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि बाबा ने जैसा कहा है मैंने वैसी अपनी स्थिति को रखा, ये है पास विद ऑनर। एक होता है थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया तो उसको पास विद ऑनर नहीं कहेंगे। एक है एक्यूरेट रूप से हम चले और हमने कुछ भी व्यर्थ समय संकल्प नहीं गवाए, तो जरूर है अपने को भी लगता है, कई बार कई भाई बहन कहते हैं मेरी आजकल बड़ी अच्छी स्थिति है, तो माना मैं पास विद ऑनर हुई ना, कि बाबा के कहने अनुसार मैंने अपनी स्थिति को बना के रखा। ओके दीदी, इसकी कुछ मार्किंग है, कुछ मार्क्स हैं कि पास विद ऑनर की ये वाली मार्किंग है 70 अबव 75 अबव? मैं ये तो समझती हूँ कि मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी देखो लौकिक रीति से भी अच्छे नंबरों से उसको कहा जाता है जो फर्स्ट डिवीजन लेता है, आजकल तो मेरिट वाले को कहा जाता है। तो हमारी कम से कम स्थिति इतनी अच्छी तो हो जो हमें लगे कि हाँ मेरी 80% 90% स्थिति ठीक रही, आज योग अच्छा रहा, आज अपने आप से हम समझ तो सकते हैं ना, बाबा की श्रीमत हमारे सामने मापदंड है, कसौटी है, तो हम कैस कर सकते हैं कि हाँ बाबा ने जैसे कहा है योग की स्थिति अच्छी रहे, सेवा भी मैंने आज की, ज्ञान रत्नों का मंथन भी किया, तो उससे हमको आइडिया लग सकता है कि हाँ मेरी 80% 90% अच्छी स्थिति रही। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू, बहुत क्लियर हो रहा है। और होप जो भाई बहने आज इस हम मुरली मंथन को सुन रहे हैं, जो क्लैरिटी हम लोग मुरली में पूछते हैं या कभी क्वेश्चंस करते हैं, तो मुरली आज की एक एक शब्द अगर आप मुरली को पढ़ रहे होंगे सभी, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाबा हमें सब चीजें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहे हैं, और आदरणीय दीदियां जो हमारे सम्मुख हैं उसको और क्लैरिटी से एग्जाम्पल से हमें स्पष्ट कर रहे हैं। लास्ट दीदी, एक और लास्ट लेती हूँ, क्योंकि बाबा ने आज कहा मैपन की पूछ को जलाकर, तो वो मैपन क्या चीज है? ये बाप दादा ने, हाँ दीदी, तो बाप दादा ने जैसे इसमें कहा कि बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघन पड़ता है वह सबसे सबके पास प्रसिद्ध शब्द है, सब जानते हैं और अनुभवी भी हैं, वह है मैपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं कभी अभिमान ले आता, कभी बॉडी कॉन्शियस, आत्मा वाला नहीं, कॉन्शियस वाला मैं आत्मा वाला नहीं, कभी अभिमान भी लाता तो कभी अपमान भी लाता, कभी दिल शिकस्त भी बनाता। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। पर दीदी अगर प्रैक्टिकल देखें तो आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हमें इसको ही बार बार अपने को चेक करते रहना है और रिमाइंड कराते रहना है। हम देखते हैं कि देखो कई बार लगता है कईयों को मेरा अपमान हो गया, अब शरीर को देखा तभी तो अपमान की फीलिंग आई ना, अगर मैं बिंदी हूँ और जिसके द्वारा व्यवहार हुआ वो भी बिंदी है, ठीक है उसके कर्म का खाता अपना है, हमारे कर्म का खाता अपना है, तो अपमान की फीलिंग में क्यों आए, अभिमान की फीलिंग में भी क्यों आए, या कोई बात का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है कई बार, अहम भी आ जाता है, तो वो भी रॉन्ग है। तो इसलिए बाबा कहते मैं आत्मा हूँ ये याद रहे। अच्छा ये भी नहीं याद रहता मैं आत्मा हूँ, ये तो सहज है, मैं श्री बाबा का बच्चा हूँ, तो श्री बाबा ये तो बहुत ही सहज है, और मेरा ये अनुभव है
चलो बिंदी हर समय नहीं याद रहा, ठीक है हम व्यवहार में आ रहे हैं हर टाइम बिंदी नहीं, लेकिन ये याद करना बहुत सहज है मैं शिव बाबा की संतान और जो मेरे सामने है वो भी शिव बाबा की संतान है, तो फिर बिंदी भी याद आ जाती है। इस विधि से बिंदी मैं बिंदी आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, तो बिंदी आत्मा हुई आत्मा। तो फिर दूसरा मैंपन नहीं आता, धीरे धीरे छूट जाता है, छूट जाता है। हाँ। तो दीदी बाबा बाबा ने जैसे अभी लास्ट मैपन बताया नीचे, उससे पहले बाबा ने खजाने बताए, विधि बताई, निशानियां बताई। तो दीदी मतलब ये सारा प्रोसेस है कि ऊपर हम ये सब चीजें करते जाएं तो मैपन अपने आप हमारा समाप्त होगा। मतलब बाबा ने उसको लीस्ट लास्ट कि मैं हूँ, मैं तो है ही हर एक समय, मैं तो बोलते ही है, लेकिन मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, ये भी थोड़ा सा सोमान जैसे बाबा ने कही दिए हुए है ना, तो एक है सिर्फ मैं आत्मा हूँ, वो कई बार इतना सहज नहीं होता, तो जैसे बाबा हमें रोज कोई ना कोई सोमान देते हैं, तुम शिव शक्ति हो, तुम पांडव हो, तुम विश्व कल्याणी हो, ना तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तो ये याद रखने सहज होते हैं, तो मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं क्योंकि ईश्वरीय संतान हूँ तो विशेष आत्मा हूँ, तो जो मुझे बाबा टाइटल देता है तो कुछ भी हम उसको स्मृति में रखते हैं वो भी उल्टी मैं नहीं आती, नहीं आती। वेरी नाइस, बहुत अच्छा दीदी। मन तो नहीं कर रहा मुरली को बंद करने का, लेकिन क्योंकि अगर पीछे और थोड़ा देखें तो बाबा ने फिर भी लास्ट एक और आपसे पूछ लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा अब ये मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। तो समाप्ति तो करनी होनी ही है ना, वो तो पता ही है हम सबको, ये बुद्धि में निश्चय ही है और समान बनना ही है, तो इसमें हमको निश्चय स्वयं में भी चाहिए, बाबा में भी चाहिए। बाबा में निश्चय है, लेकिन बाबा जो कह रहा है बात कि समान बनना है, तो इस बात में भी निश्चय चाहिए। बाबा से प्यार है, बाबा में निश्चय है, लेकिन कई बार ये कई भाई बहने नहीं सोच पाते कि मैं ही वो हूँ जो बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ, तो ये बात में भी निश्चय रखना है कि जब बाबा कह रहा है मुझे कि तुम समान बनो तो मैं समान बन सकती हूँ, और मुझे बाबा समान बनने की ही सारी गाइडेंस दे रहा है, शक्ति दे रहा है, और मैं ही वो आत्मा हूँ जो कल पहले भी समान बनी थी, तो मैं ये समझती हूँ इस बात में भी निश्चय चाहिए, कोई अभिमान की रीति से नहीं, लेकिन भगवान मुझे कह रहा है ना, जैसे लौकिक में बाप बच्चे को कहता है ना तो मेरा बड़ा नाम रोशन करने वाला बेटा बनेगा, तो बच्चे को ये रहता है कि मुझे फिर ऐसा ही कर्म करना है जिससे नाम रोशन हो, बदनाम नहीं हो, तो ऐसे ही मेरे को बाप समान बनना है तो मुझे इस बात में भी निश्चय रखना है, बाबा से प्यार है, बाबा में निश्चय है, परंतु बाबा ही कह रहा है बच्चे तुझे बाप समान बनना है, तो जब मैं अपने को स्वीकार करती हूँ इस बात को दिल से और निश्चय बुद्धि होकर, तो मैं ये समझती हूँ वो फिर सहज लगता है, तो समाप्ति तो तभी होगी ना, क्योंकि बाबा तो इसी बात के लिए ही कहते बच्चे बस आप तैयार हो जाओ तो कार्य हुआ ही पड़ा है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, और आज ये मुरली पढ़ के और आपसे सुन के, और मतलब बार बार लग रहा है कि बाबा बहुत सारी चीजें प्रोसेस हमें अव्यक्त मुरली में बता रहे हैं हर चीज का, कि कैसे कैसे बच्चे समान बाप समान बने और समाप्ति को समीप लाएं। तो जो भी भाई बहने आज इस एपिसोड को सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है इस मुरली से रिलेटेड, आप लाइव चैट पे ORC के YouTube चैनल पे जो ये चल रहा है उस पे आप भेज सकते हैं, और जब नेक्स्ट हम सैटरडे आपसे मिलेंगे तो जरूर उसके ऊपर हम जो आपके प्रश्न हैं उसको पहले लेंगे। तो दीदी अभी सैटरडे है और हम रात को बाबा को याद करते हैं, गुड नाइट करते हैं, ताकि रविवार का दिन होता है, अव्यक्त मुरली बाबा की होती है, तो आप 2 मिनट जो बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग, 2 मिनट उसकी आप अनुभूति हम सभी भाई बहनों को कराएं। सभी अपने अनादि स्वरूप निराकारी जो मैं सदा हूं, पहले भी थी
आज भी हूँ, फिर भी रहूंगी, निराकारी, बिंदी, चमकती, ज्योति, ये मेरा सदा का स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। कितना प्यारा, चमकता, शुद्ध स्वरूप, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। शरीर सिर्फ माध्यम है और मैं स्वयं में अविनाशी चैतन्य सत्ता सदा जो हूं वास्तविक स्वरूप में प्यारे शिव बाबा की संतान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, इतना सुंदर ज्वालामुखी तपस्या जो हमने शुरू की कि वो क्या है, और उसको स्पष्ट रूप से हमने इस पूरी मुरली में जाना, और जो बाबा ने कहा समान बने और समाप्ति को समीप लाएं, तो जरूर हम ये अभ्यास करते रहेंगे। थैंक यू दीदी इस प्रोग्राम में आने के लिए, और हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट जो बाबा की मुरली है उसको स्पष्ट करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति सभी को।